मान्य विधायक जी हमारी ना बोलते हुए अपने क्षेत्र की बात क्षेत्र की समस्याओं पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। हमारी सबसे बड़ी जो समस्या है जो जो हमारी ग्राम सभा की रोड है उसका हमने पिछले पूर्व में भी काफी प्रस्ताव दिया और हमें केवल 2 किलोमीटर का पक्कीकरण हुआ, जबकि हमारी पूरी ग्राम सभा की रोड 5 किलोमीटर है। 5 किलोमीटर में 3.5 किलोमीटर तो हमारी पहले से पक्की थी, पर लेकिन 1.5 किलोमीटर वो भी क्षतिग्रस्त है। उसके साथ जो 1.5 किलोमीटर है उसमें डामरीकरण तक भी नहीं हुआ, जबकि ये रोड 98 की बनी हुई है, जब यूपी हमारा राज्य होता था। तो ये हमारा जो भाग्य है, तो मान्य विधायक जी हमने लिखित में प्रस्ताव लिख रखा है और आपसे उम्मीद करेंगे, पूर्व में मैंने आपको कांस्कित में प्रस्ताव दिया था, थोड़ा इसका संज्ञान लें। साथ ही हमारी ग्राम सभा से एक गांव है महादेव सेंट सर, एक अनुसूचित बस्ती का गांव है जिसका बहुत पहले से प्रयास कर रहे हैं लोग कि वो रोड से जुड़े। हमने यहाँ पे रिसीविंग भी ला रखी है, लेकिन वो लोग उनका दुर्भाग्य है कि वो अभी तक भी रोड का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। जब रोड आई उस टाइम टच हो सकती थी, पता नहीं किस परिस्थिति में उन्होंने टच नहीं की, तो कुनकुली से 1 किलोमीटर छोड़ दिया उनको, उस समय हो सकती थी पर नहीं किया। तो मान्य विधायक जी से मैं निवेदन करूंगा कि दूसरा से कुनकुली कोटा संपर्क मार्ग जोड़ने का कष्ट करें। साथ ही हमारे जो क्षेत्र की सबसे मुख्य रोड है केबुलदार से मुन्नेश्वर बड़कोट की वाली, ये हमारी व्यक्तिगत ग्राम सभा की रोड नहीं है, ये हमारे पूरे क्षेत्र की रोड है। इसमें हमारे घंडियाल कांसकेत बड़कोट डांडनागजा और सबसे तंग रोड है, मतलब क्योंकि शॉर्ट होने की वजह से इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। इसका 3 किलोमीटर रोड है जिसका पक्कीकरण करना है और इसको बने हुए कम से कम 10 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, तो आपसे विनम्र निवेदन रहेगा कि आप इसको भी पूर्ण करेंगे। साथ ही इसमें यहाँ पे हमने जो पर्पस रखा था मीटिंग रखने का, तो ये जो हमारे भवन है पिछले में भी बोल दिया गया है, लेकिन सर मैं 3 साल से प्रधान हुआ, मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ इस स्कूल के लिए, मेरे प्रयास की वजह से एक अतिरिक्त कक्ष यहाँ पे मिल चुका है, लेकिन उसके बाद जब हम भवन के लिए बोल रहे थे तो उन्होंने ध्वस्तीकरण का 2017 में इसको निष्पोजित कर रखा है, फिर भी हमारे बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं। कल को अगर किसी की घटना हो जाएगी तो सर हमें सरकार को जवाब देना भारी पड़ जाएगा, क्योंकि इसमें जो जे द्वारा लिखित में गया था जिसमें यहाँ पे हम बच्चे नहीं पढ़ा सकते, पर उसके बावजूद भी हम पढ़ा रहे हैं, तो ये हमारी सरकार के लिए भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी कल को किसी के साथ अगर दुर्घटना होती, तो इसको मुख्य रूप से आप लोगों ने ध्यान देना, बाकी छोटी मोटी ग्राम सभा की समस्या सब रख दिया लिखित में हम आप लोगों को। इसका वैसे सर लेंटर ही खराब है, हमने इसका लेकिन सर विधायक जी इसमें दिक्कत क्या होगी, हमने इसका रिपेयर का बजट भी स्वीकृत करवा दिया था, बातचीत पूरी हो गई थी, 10 लाख का बजट स्वीकृत होने के हो गया, लेकिन क्या हुआ कि इसका निष्पोजित प्रमाण पत्र की वजह से वो भी रुक गया। हम चाह रहे थे कि इसका केवल ही टूटता तो हम चाहे चद्दर से कर सकते थे तो हो सकता था, लेकिन निष्पोजित कर रखा है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो निवेदन है सर इस पर बिल्कुल ध्यान देने वाली, कल को चाहे मैडम हो या हमारे बच्चे हों किसी का भी नुकसान हो सकता है, ये इम्पोर्टेंट है, इस पे जरा बिल्कुल बाकी मैंने लिखित में रखी है, मैं वो आपको दे बाकी धन्यवाद। मैडम का भी स्कूल बहिर्गामी समिति की तरफ से ठीक। सुरेंद्र जी प्रस्ताव तो पहले विधायक जी बड़े बड़े था कुछ चलो वही रोड का ही है वो वही है रोड का। प्रस्ताव लेन लगे जी प्रस्तावना अब यहाँ पर थोड़ा सा अब मैं चाहूंगा कि यहाँ पर शास्त्री संजीव कुमार जी हैं वो चाहे कुछ न बोले पर जरा आ करके माल्यार्पण कर दो इधर आओ जरा क्योंकि मैंने आप हुसैन ये दिखाई दे रहा था कितना बड़ा क्या जरा विधायक जी लुकना चाहिए लुकना दो और दो शब्द बोलना है तो जरा धन्यवाद धन्यवाद।
परम श्रद्धेय पौड़ी जिला के हमारे विधायक जी विराज कुमार पौड़ी जी, आपके स्वागमन पर यहाँ पर रामसभा दूसरा की ओर से मैं समस्त जनता की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप यहाँ पर आए हैं, हमारे बड़े भाइयों ने भी यहाँ पर समस्याएं रखी हैं, आप इन पर बहुत सुंदर आप निवेदन कर हमारा क्या इमरजेंसी काम, तब उन्होंने फिर भी हमारा आधा घंटा खराब किया। जो भी हमने वहाँ पर मन की बात और जब कुछ सबको पता है, पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है, विदेश तक सुन रहे हैं, विदेश तक वो प्रोग्राम चल रहा है, और उन्होंने लाइट स्कूलों के लिए जबकि आज स्कूल बंद है, क्या उस जेल को मैं अभी विधायक साहब से और जेल को शिकायत करके मैं उसको बता दूंगा जेल को सही करें, तुमने लाइट कैसे कर ली प्रधानमंत्री के प्रोग्राम में। यहाँ पर आए हुए समस्त बुजुर्गगण युवा मेरे साथ, मैं अपनी पूरी ग्राम सभा की ओर से और बूथ अध्यक्ष होने के नाते समस्त यहाँ पर आए हुए समस्त भाई बहन भाइयों का, बुजुर्गों का, चाचा ताऊओं का तह दिल से स्वागत करता हूँ। और विधायक जी, मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए बस आप एक बात यहाँ पे रखना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पानी की बहुत समस्या है, कि लोग, मैं बोल रहा हूँ, मैं खुद 12 बजे पानी लेने जाता हूँ। हमारे यहाँ डांडा नागरजा पंपिंग योजना नाम की पंपिंग योजना बनी हुई है, पानी कभी आता है हफ्ते में जैसे फ़ोन करो, मैंने सुभाष भाई जी से बात भी की थी कि फोन करो तो वो एक दिन हफ्ते में एक दिन दे देते हैं, बस मुंह बंद करने के लिए पानी दे देते हैं, फिर वही समस्या है। आज जब मैंने कल मैसेज डाला था कि हमारे यहाँ विधायक जी आ रहे हैं, तो मैं बड़े शर्म के साथ ये कहना पड़ रहा है कि उन्होंने कहा कि विधायक जी तुम्हारे हैं, सरकार तुम्हारी है, फिर भी हम लोगों को पानी की समस्या झेलनी पड़ रही है। मैं वोट मांगने जाता हूँ, माधे सेन हमारी वो है, एक हमारे काम का एक अंग है, समझो माधे सेन, वहाँ रोड की बहुत समस्या है, वो लोग 2016 से 2 किलोमीटर रोड के लिए बोल रहे हैं, पर वो भी काम नहीं हुआ। पिछली बार भी हमारे विधायक जी थे, उन्होंने भी नहीं किया। हम आपसे क्यों लगाए बैठे हैं कि इस बार हो जाएगा, बस ज़्यादा नहीं कहते हुए बाकी लाइट और जो भी अन्य समस्या ये बाद में होती रहेंगी, पर पहले पानी का हो जाएगा और माधे सेन रोड का हो जाएगा। धन्यवाद। विधायक जी, सबसे बड़ी समस्या भी इन्होंने ही बताई थी, मेन समस्या पानी की, ये गंगा का पानी प्रधानमंत्री योजना है हर घर नल हर घर जल, उस नलों को लगे हुए 3 साल से ऊपर हो गया, हर घर में लगे, लेकिन वो लोगों को पीना तो रहा था, नल खुद प्यासे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये मेन समस्या जो जल का है, जो गंगा जल का, इसको सुलझाया जाए जल्दी जल्दी। वैसे नवीन जी भी बोल रहे थे कि इसका काम शायरी चल रहा है, चल रहा है। दूसरा भी इन लोगों ने बताई दिया है कि ये हमारे गाँव में हरडिंग से लेकर ये यहाँ तक ये कच्ची रोड है, मैं पिछले साल आपको इतनी निकल रहा हूँ, मैं इतना मुआवजा दादा अपनी गाड़ी में, तो मेरा एक्सेलेटर था वहाँ पे, वो 2 दिन तक खड़ी रही गाड़ी, आज मैं पैदल आया हूँ वहाँ से 3 किलोमीटर आके गाड़ी खड़ी है। मेरी मेन समस्या आपने बता दी सबने बता दी है, मेन समस्या पानी रोड बिजली। धन्यवाद जय जवान, पहले जवान का नाम आता है, उसके बाद किसान का नाम आता है, उसके बाद भारत का नाम आता है, उसके बाद उत्तराखंड का नाम आता है। हमारी समझ यह है कि मैं काफ़ी दूर से आता हूँ, मैं आजकल हर महीने घर आता हूँ, 13 दिन से वहाँ आता हूँ, मैं एक पूर्व सैनिक हूँ और पूर्व सैनिक का अध्यक्ष भी हूँ। मैं उस माध्यम से बोल रहा हूँ कि मैं इतने बार आता हूँ, और तो मैं जब 13 दिन से वहाँ गया, मेरी गाड़ी के पैर पंचर हो गए, क्यों? मैंने कहा मैं यहाँ से शॉर्ट पर जाऊँगा, वहाँ भी जाऊँगा 20 किलोमीटर आऊँगा, तो टायर पंचर हो गए। अब पंचर मेरे को वहाँ से क्या करना पड़ा, जब न इधर का न घाट का न कहीं का, मैं उसको लेकर सिर में ले गया, फिर किसी को बोला, मैंने कहा भाई चल कर दे भाई, 400 रुपये खर्च किए मैंने, और मैं उस टायर को लेकर कल्याण ले गया, कहीं भी नहीं हो रहा है। इसलिए निवेदन करता हूँ मंदिर से, आपका हमें आपसे मिलने का बहुत सौभाग्य मिला, आप व्याप्त करते हैं कि हम 13 दिन से भी आए हैं और वहाँ भी आए हैं, कि हमारे जो विधायक हैं, जुहारू हैं, अच्छे हैं, कर्मठ हैं और करने के कर सकते हैं,
महाराज मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि जो हमारा ये रोड है इसको पहले स्थापित करना है, यहाँ पर जो नेगी सरकार नेगी दी है उसने उस समय बम फाड़े हैं, चाहे ये कर देंगे वो कर देंगे, आप कौन से बम फटाओ, कितने साथ बोल रहे हैं कि बलि प्रथा बंद करो, प्राण खाने का सब प्रथा बंद कर दी, हम भंडारा कर रहे हैं, तो उसको अभी तक कुछ नहीं हो रहा है, निवेदन है उसको सारी जनता का रोड है उनसे मकसद है 10 किलोमीटर यहाँ से सारे इधर के लोग सब जाते हैं, उस समय यहाँ से बैठ रखा और यहाँ से भी थोड़ा रोड जो है यहाँ पर खराब है, उस समय ये है साहब कि आज कार बहुत लग गए हैं तो स्थिति है होना जरूरी है नहीं कोई से लड़ रहे कि आप गांव में 4-5 लड़ इधर बाघ आ रहा तो उधर से दिखा रहा है नहीं तो क्या लगता है मुगली के अंदर चले तो बाघ देखने बोला दर्द को था उसको धार दिया, तो ये चीज नहीं होना चाहिए, तो ये वो करना चाहिए, जंगल बहुत हो गए हैं, ये हमारी सरकार की गलती है कि जो ऐसा किया है, क्योंकि जो राशन खड़ा क्या फ्री में, क्योंकि यहाँ 80-40 किलोमीटर चावल मिल रहा है वो हमने बच्चों के लिए वहाँ भेज रही, फिर तो हमें जाल बच गया है, झाड़ी हो गई है छेट करने के लिए, कोई मैं थोड़ा सा 2 बच्चा दूसरे में ऐसा है, मैं मधुराव साहब का आभार व्यक्त करता हूँ, मैं देहरादून में रहा हूँ, उनके जो बोलिए योजना बनाई पानी की ये विधायक मंत्री मधुराव जी ने कराया है, उन्होंने बोला सिद्धार्थ सिंह बिस्ट और हमारे थपलिया ये नीचे गांव था बहुत नीचे हमारे क्षेत्र में पानी की कमी है, हम धार में है और पानी जो है से पानी को बढ़ाया जाए, मरण से पानी आएगा, उन्होंने ये बनवाया है कुंभकर्ण की तरह, जागृत रहो आप जागेंगे तो जनता भी जाएगी, तो कुछ नहीं होगा, उसके बाद जैसे कि आज हमारे पूरी खेले पूरी खाते उन्होंने क्या काम किया, कुछ नहीं किया है, इसलिए विधायक जी आपको आगे करना है तो आपने वो करना है, जब एक लाला है मैं थोड़ा मिसाल देता हूँ, वो 1 रुपये किलो आटा बेचता है, दूसरा जो है 50 रुपये देता है, 50 रुपये वाले की बिक्री कितनी होगी, ज्यादा होगी ना, वो ये रुपये वाला उतना ही रह जाए एक किलो में रहेगा, इसलिए काम को करना है, जितना बजट आपको 6 करोड़ का बजट मिलता है पूरा खपत करो और पूरा लगाओ, बिहारी हो गए हैं, नेपाली हो गए हैं, हमारे आदमी कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है, वो सब्जी की ठेल लगाते हैं और हम रोड का ले जाते हैं, इसलिए ये जो है ये होना चाहिए, चीजें होनी चाहिए, पानी की जो है व्यवस्था होनी चाहिए, और पर हमने वहाँ से लगाया डंडा दिया, डंडा दे दिया हमारे ऊपर, हमें डंडा क्या दिया, विधायक जी एक आदमी कम से कम आप यहाँ पर 6 बोलो हसान को बोलो यहाँ पर देगा पानी साफ करने के लिए, क्या वो फिटर है वो 40 किलोमीटर कहाँ तक जाएगा, वो कहाँ रह गया छोड़गा खाने का पेड़ वो चुपड़ी वहाँ जा रहा हूँ क्या करेगा बेटा, अच्छा काम कर रहा हूँ, इसलिए हमने अपने प्रधान जी को बताया है, प्रधान जी अपने ही क्षेत्र के लोगों से काम कराओ और ताकि उनको मत लगाओ बाहर वालों को, बाहर वाला सारा यहाँ अंकलवाल निकले आ रहे हैं, टमाटर उगा रहे हैं, नेपाली बिहारी मकान बना रहे हैं, अंकलवाली हम मर गए हैं, क्या नहीं हो रहा, हमने क्यों नहीं कर सकते, क्यों हमारा फसा बाहर जा रहा है, जबरदस्त बैठा जबरदस्त, अरे उन्हें पहाड़ उन बता मेरे उनका मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ यहाँ पे आगमन पे, सर मैं ज्यादा न बोलते हुए हमारी जो समस्याएं हैं आपको जनता ने भी मतलब वो करा दिया आग्रह करा दिया है कि मेन चीज हमारी क्या है रोड 3 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर रोड है, सर मैंने पहले भी आपसे पहले मिला हुआ हूँ और सर दिया तो मैंने आपको लेटर दिया, लेकिन क्या हुआ कि वो लेटर पीडब्ल्यूडी में नहीं गया, वहाँ से फिर क्या हुआ कि मेरे लिए फिर वहाँ से रिटर्न में एक लेटर आ रखा है कि
ये ना तो ये इसमें विधायक जी की संस्कृति दे रखा है ना सांसद जी की, मतलब उनकी वहाँ से, तो फिर दोबारा बोल रहा है कि यहाँ पे दोबारा देना है। सर मेन चीज तो हमारी वही है रोड की, हमारा उसमें ये होता था मेरे यहाँ पे मेरे गांव के लोग उसमें क्या हुआ था कि जब आपको पता है कि उसमें बलि प्रथा होती थी, उस बलि प्रथा को रोकने के लिए उस रोड के लिए मतलब वो आपसे बहुत आग्रह रहेगा कि वो रोड मेरे उम्मीद भी है, विश्वास भी है वो करवानी है। सर एक चीज हो रहा है सर, वो पानी का सर डांडा वाला पानी, माननीय विधायक धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज थोड़ा हर्ष का विषय है कि मैं भगवान श्री डाना नागरदा क्षेत्र में आज कलचखाल जो हमारा मंडल है उसकी ग्राम सभा दिवसा बड़कोट और आसगढ़ बगनिखाल जो जितने आसपास की जितनी ग्राम सभाएं हैं उनके सभी लोगों के साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित हुआ हूं। और आज बड़ा सौभाग्य का दिन भी है कि आज हम मन की बात का 100वां एपिसोड देखकर सभी लोग यहां पर उपस्थित हुए हैं। और अगर आज मन की बात का 100वां एपिसोड नहीं होता तो प्रधान आचार्य महोदय भी यहाँ पे नहीं मिलते। कल आदेश मिला होगा कि आपको जाना है क्योंकि आज जो है स्कूल खोला संडे के दिन। उनका बहुत बहुत आभार और आप सभी लोगों का दिल की गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सब लोगों ने इतनी देर तक मेरा इंतजार किया। थोड़ा देरी भी हुई, आधा घंटा पौन घंटा में देर पर पहुँचा, लेकिन मन में बहुत दिन से था कि मुझे वहाँ आपके क्षेत्र में आना है और इधर मैं आया भी नहीं। चुनाव के बाद मैं इधर अभी आया भी नहीं, केवल डाना नागरदा और उधर पल्ली तरफ क्षेत्र में गया हूँ। तो आप सब लोगों का मन चाहिए, हमारे आदरणीय सुखलाल जी हैं और हमारे बिज जी हैं, हमारे मनोज नैथानी जी जो पूर्व में महामंत्री रहे इस मंडल के और इस समय प्रतिनिधि के रूप में हैं, वेन्द्र बिश जी भी प्रतिनिधि हैं, असवाल पटवाल सिंह के और ये अपने मनियास सिंह के हमारे प्रतिनिधि हैं और बहुत सक्रिय कार्यकर्ता हैं समाज में, हमारे दोनों सभी ग्राम सभाओं के प्रधान लोग जितने उपस्थित हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य जितने उपस्थित हैं, जिला पंचायत सदस्य भी कोई उपस्थित होगा तो उनके लिए भी मैं दिल की गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। प्रधान जी हमारे प्रदीप थपलाल जी, पूर्वनंद थपलाल जी, सभी लोग पुराने जानने वाले हैं, मैं भी पुराना कार्यकर्ता हूँ आपके साथ का। और आपको मैंने एक वचन दिया था जब चुनाव पूरा था कि मैं हमेशा सेवक के रूप में काम करूँगा, मैं कोई नेता नहीं हूँ, कोई बड़ा बड़ा पूंजीपति और अरबपति कोई व्यक्ति नहीं हूँ कि मैं अपनी बड़ी बड़ी बात मान के चला जाऊँ। मैं भी आपके साथ संगठन का काम करते करते आगे निकला हूँ और बहुत देरी से मुझे पर्चे फल मिला है, जो फल मिला है वो देर से मिला है, 22 साल की तपस्या की है उसके बाद मुझे मिला है। तो मैं चाहूँगा कि जो मुझे मिला है उसको मैं बहुत सुरक्षित ढंग से और बड़े सदुपयोग के साथ उस कार्य को निपटाऊँ। तो जो भी क्षेत्र की समस्याएं हैं, आपकी समस्याएं नहीं मेरी समस्याएं हैं, क्योंकि आप लोगों ने मुझे अपना प्रतिनिधि बनाया है और आप लोगों ने दोनों हाथ से जो मुझे आशीर्वाद दिया है उसके बदौलत आज मैं विधायक के रूप में आप लोगों के बीच में हूँ। लेकिन मैंने कहा कि विधायक केवल मैं अधिकारियों के लिए विधानसभा के लिए विधायक हूँ, जहाँ भी अधिकारियों के साथ बैठूंगा वहाँ पर विधायक,
लेकिन आप लोगों के साथ में केवल भाई और भतीजा किसी का कोई भी रिश्ता लगा सकते हैं, जो जिसका रिश्ता हम लोगों के आपस में है, भाई बंद का रिश्ता, चाचा ताऊ के रिश्ते, उस नाते में आप लोगों के साथ में हूँ और हमेशा सेवक के रूप में काम करूँ। और मैं ऐसे ही परिवार से आया हूँ जिस परिवार ने हमेशा समाज की सेवा की है। अनुसूचित जाति के लोगों ने हमेशा जो है सभी वर्गों का जो है सेवा का काम किया है। मैं ऐसे परिवार से हूँ और मैंने खुद किया है अपना काम, चाहे मैंने सिलाई का काम किया है, चाहे मैंने कोई बजाने का काम किया है, तो वो काम मैंने स्वयं किया है अपने पूर्वजों के साथ। तो मैंने सेवा का क्या काम किया तो मुझे ये लगता है कि ये सबसे अच्छा काम है, क्योंकि सेवा करना सीधे सीधे भगवान से जोड़ता है। जो काम सेवा के द्वारा हासिल किया जाता है वो किसी और काम से हासिल नहीं किया जाता। तो आप लोगों का आशीर्वाद रहा आज मैं विधायक बना, और आप लोगों की बदौलत से जो सम्मान आप लोग दे रहे हैं, प्यार और रिश्ते दे रहे हैं, तो अब मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं आप लोगों के लिए कुछ करूँ और समाज के लिए जिस जिम्मेदारी के लिए मुझे भेजा गया है अपने क्षेत्र में उन कामों को पूरा करूँगा। और एक बात है कि खनूर जी के साथ हम लोगों ने काम किया है तो थोड़ा सा उनका भी हम लोगों पर असर है। मैं घोषणा नहीं करूँगा लेकिन काम जरूर करूँगा, पर कितना खर्च करूंगा लेकिन काम पूरा करेंगे। तो जब काम हो जाएगा तो आप लोगों को खुद ही पता लग जाएगा कि इसमें कितना खर्चा हुआ, ठीक है। तो पहले बोल के फायदा नहीं है, बाद में बोलने से फायदा है। तो हम इस प्रवृत्ति के प्रवृत्ति के लोगों में से हैं और वैसे ही मैं काम कर रहा हूँ। आप लोगों का आशीर्वाद है, एक साल हो चुका है, पिछली बार विधायक निधि भी बटी, थोड़ा सा अनुभव कम रहा, कहीं कुछ ज़्यादा कहीं कम हुआ है, लेकिन आगे ऐसा नहीं होगा। और विधायक निधि पर आपका पूरा पूरा अधिकार है, आपका पैसा है, आपकी निधि है, आपके विकास के लिए वो पैसा दिया गया है, उसको बिल्कुल सही ढंग से उसका इस्तेमाल किया जाएगा और आपको जो प्रस्ताव आएगा उसको पूर्ण करने के लिए जो भी हिस्सेदारी आएगी जिस क्षेत्र में जो आवश्यकता है, तो प्रथम वरीयता के आधार पर जो जो जरूरी है उसको पहले करेंगे, उसके बाद सेकेंड और थर्ड और ऐसे चलता रहेगा। आवश्यक जैसे आप ये छात्र बहुत खराब है, अगर इसको छत को रिपेयरिंग करने की व्यवस्था हो जाएगी पहले तो ज़्यादा बढ़िया है कि पूरा भवन बच जाएगा और बच्चों के लिए भी बैठने का स्थान बना रहेगा, क्योंकि अगर ये नहीं बनेगा ये टूटेगा तो पीछे का भी खराब हो जाएगा, नीचे भी सारा खराब है, लेकिन इतना नहीं है, पीछे फिर भी ठीक है लग रहा है ना। अगर ये तक उनको होगा भी तो फिर बाद में हो सकता है, पर ये पोर्शन पूरा ठीक लग रहा है। तो इसलिए जो आप लोगों ने मुझे ये प्रस्ताव दिए हैं इनमें एक भी छूटेगा नहीं, लेकिन थोड़ा समय लगता है और सरकार की स्थिति, आप सब लोग अपनी पार्टी के लोग हैं, इस क्षेत्र के लोग हैं, तो पार्टी से जुड़े लोग हैं सारे लोग, यहाँ पे मुझे कहने में ऐसा कुछ है नहीं कि थोड़ा सा फंड की भी थोड़ा सा जो शॉर्टेज होती है इस वजह से काम थोड़ा सा धीरे से हो रहे हैं, और पहले जो वरीयता के आधार पर उन कामों को करें। आपको जानकर खुशी होगी कि आप ये पूरी ना सेंड से और ये PMJSY में होने वाली ये पक्की सड़क और इसमें भी टेंडर होने वाले हैं, जल्दी काम हो जाएगा। एक बुधनसी वाली सड़क भी जो है वो भी जो है PMJSY में है, वो भी पक्की होने वाली है। और एक मैंने अभी दाना नागजा वाली क्षेत्र की एक सड़क है 4 किलोमीटर अभी भी आई है, 3 किलोमीटर एक और इधर ये भी जो है स्वीकृति पे है, इसका भी जल्दी आ जाएगा। तो ऐसे क्षेत्रवार इस समय कलचिखाल में 3 सड़कें आई हैं, है ना, 3 सड़कों के काम जैसे शुरू हो जाएंगे फिर वो और आएंगे। तो जो प्रस्ताव आपके हैं इनको मैं देखकर इनको जो है विभाग के माध्यम से इसको आगे
प्रोसेस में रखेंगे और जितनी जल्दी इसमें पैसा लाने की व्यवस्था होगी उसको प्रयास करेंगे, पूरा पूरा प्रयास करेंगे। और आप हमें, क्योंकि जीतने के बाद मैं पहली बार आप लोगों के बीच में आ रहा हूँ, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि आपका बार बार मैं धन्यवाद करूँ कि आपने मुझे विधायक बनाया है, जिस काबिल मैं था नहीं, लेकिन आज आप लोगों ने बना दिया है। और उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में भी आपका आशीर्वाद बना रहेगा और मैं भी आपका सेवा बार बार करता रहूँ। मैं हमेशा चाहता हूँ कि मैं आपकी सेवा हमेशा करता रहूँ और जो आपके काम हैं उनके लिए मैं खुले मन से पूरा प्रयास करूँगा। लेकिन थोड़ा सा सहयोग आप लोगों ने करना है कि अपने क्षेत्र की कोई बहुत आवश्यक समस्या है उसको मुझ तक पहुँचाना है। ये संकोच नहीं करना कि केवल केवल जो हमारे पदाधिकारी हैं ये ही जाएंगे मेरे पास, कोई भी आ सकता क्षेत्र से, सही बात, कोई भी भाई आ सकता है। इसलिए मैं देहरादून नहीं बैठता, आपको खुशी होगी कि मैं देहरादून नहीं बैठता हूँ। मैं पौड़ी में मैंने ऑफिस बनाया है और रोड पे बनाया है, किसी को ढूंढना ना पड़े। 15,000 उसका किराया दे रहा हूँ जेब से, लेकिन इसलिए कि आप लोगों की सुविधा के लिए। आप कोई भी आ सकते हैं, बैठ के चाय पी सकते हैं, बात कर सकते हैं और खुला दरवाजा है। ये भी नहीं कि आप किस पार्टी के हैं, अपनी बात कोई भी कर सकता है। मैं क्षेत्र का विधायक हूँ और कोई भी बात कर सकता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का, खुले दरवाजे हैं। काम करना ना करना बात का विषय, पर आप मेरे पास आओगे, अपनी समस्या लेके मैं सुनूंगा, मेरा कर्तव्य है और उसको आगे भेजने का भी मेरा कर्तव्य है, वो मैं करूँगा। ठीक है, तो आप किसी से संकोच मत करना कि साहब कौन ले आ जाएगा, तब जाऊँगा विधायक के पास। विधायक कोई विधायक बड़ा आदमी नहीं, आप बताइए, आपका भतीजा है, आपका बेटा है, आप खुल के मेरे पास आ सकते हैं और हमेशा यही भाव रहेगा। और क्योंकि आपने मेरे बारे में पहले भी सुना है, मैं पहले से ऐसी प्रवृत्ति का हूँ और हमेशा रहूँगा, कोई बदलाव नहीं आने वाला है। क्योंकि जो बड़ी मुश्किल करी अग्नि बड़ी दिक्कत होना है, इन्हें जो बड़ी मुश्किल से बोल रहे हैं मौका मिली, मतलब उस मौके का अगर हम सदुपयोग नहीं करेंगे तो नुकसान देगा, नुकसान देगा, है ना। तो इसलिए मेरा कहना है कि आप लोगों का आशीर्वाद हमेशा बना रहे, सलाह आप देंगे काम करने का, सब और मेरा होगा उसका, सलाह तुम्हारी और सब और मेरा, तब जाके विकास होगा क्षेत्र का। और आप मुझे समय समय पर क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराते रहेंगे तो निश्चित रूप से उनका समाधान ढूंढेंगे। जैसे अब बिजली की बात है, अभी उसको फोन करेंगे, पानी वाली समस्या, पानी वाले को भी फोन करते हैं, पानी आया था 2-3 बार आया है, फोन कर लीजिए आप इधर, हाँ हाँ आपका बच्चा पानी आया है ना, ना आपने मुझे सुनने के लिए यहाँ पर उपस्थित रहे और बाकी इस समय बोलने का तो कुछ है नहीं। लेकिन जो समस्याएं आई हैं इनका पूरा काम करेंगे और आपको सूचना भी मिलेगी, जो पत्र रखे हैं आपको एक एक पत्री पे आपको मिलेगी और जो भी कागज दें उसमें अपना फोन नंबर जरूर लिख दें, एड्रेस पूरा लिखें, तब जाके संपर्क होगा। जब भी कोई कागज देना है अपना एड्रेस और फोन नंबर जरूर दें। और जो आर्थिक सहायता है क्षेत्र में गरीब लोग हैं जिनको आवश्यकता है, किसी के बच्चे की फीस नहीं दे जमा हो पा रही है, किसी की लड़की की शादी है और किसी को मेडिकल में आवश्यकता है, दवाई चल रही है, इलाज चल रहा है, आयुष्मान कार्ड भी किसी का नहीं लगता है, तो आयुष्मान कार्ड तो 5-7 लाख रुपए तो मिल ही रहा फ्री का, लेकिन कुछ मेरे माध्यम से भी आर्थिक सहायता मुख्यमंत्री के द्वारा मिल जाएगी, लेकिन उसमें कागज लगाने जरूरी है, जिसके मेडिकल के बिल ओरिजिनल बिल चाहिए, अगर वो 10,000 के हैं, 15,000 के हैं, 20,000 के हैं, कितने के भी हैं, पर बिल ओरिजिनल होना चाहिए दवाई के, और आधार कार्ड और BPL होना चाहिए, उसको मुख्यमंत्री आर्थिक सहायता से पैसे मिल जाएगा दवाई का। जिसकी लड़की की शादी है, गरीब है, उसको BPL और आधार कार्ड और उसका, इससे क्या होगा कि हमारी पौड़ी से कोटद्वार की दूरी
कम हो जाएगी, केवल 50 किलोमीटर रह जाएगी, 54 किलोमीटर रह रही है, 104 किलोमीटर है, वो आधे में सिमट जाएगी, एक घंटे में कोरदार जाना आना जाना हो जाएगा। उससे बड़ा लाभ ये है कि पर्यटक पौड़ी में आएगा। कोरदार से पर्यटक पौड़ी नहीं आता, ऋषिकेश जाते हैं, लेंस बन जाते हैं, क्योंकि पौड़ी गुमखाल के ऊपर चढ़ाई चढ़ते हैं, जिग जैग है, उनको उल्टियाँ होती, चक्कर आते हैं, तो उन लोग आते ही नहीं है, उनका कौन जाए, तबीयत खराब हो रही है तो नहीं आते पौड़ी, जबकि पौड़ी लोग आना चाहते हैं। ठंडा एरिया भी है, बड़ा क्षेत्र भी है, घूम सकते वहीं हिमालय के पूरे दर्शन होते वहाँ। तो ये बड़ी योजना है, इसके लिए मोदी जी के यहाँ से भी स्वीकृति है और मुख्यमंत्री जी ने प्रस्ताव भेजा है, ये पहली योजना है, इसका स्वीकृति जरूर हो जाएगी, भले लंबी योजना है, समय लगेगा थोड़ा सा। और दूसरी है कि नगर गंगा दर्शन मोड़ से गेंगवालेश्वर तक का रोप वे मार्ग बनाना है, रज्जू मार्ग ट्रॉली, तो उससे भी क्या है पर्यटक श्रीनगर में परेशान होते हैं गर्मी की वजह से, और पौड़ी ठंडा है तो लोग पौड़ी आएंगे श्रीनगर से ज़्यादातर और घूम के फिर शाम को वापस आएंगे, तो उससे भी पर्यटक बढ़ेगा। फिर मैंने ग्वाली झील के लिए भी अभी पैसा रिलीज करा दिया है कि इसका चौड़ीकरण सौंदर्यकरण पूरा किया जाए, या तो केवल एक चट्टान बन के रहे उसमें भी पैसा आ गया है, और एक रोडवेज का बस अड्डा बन रहा है पौड़ी में, डिपो बना रहे हैं, ऊपर सर्किट हाउस में खाली है बस अड्डा उसमें बनवा रहे हैं, पार्किंग का भी पैसा रिलीज होने वाला, 4 पार्किंग बन रहे पौड़ी में। तो इस तरह के काम मैंने कहा आसपास में करेंगे, और कल छाल में तो डिग्री कॉलेज हो ही रहा है, उसका भी पैसा आ गया है और उद्घाटन करने वाले हैं, बल्कि मंत्री जी का फोन आया था कि किस दिन करवाएंगे, तो आजकल वो कर्नाटक की तरफ है तो इसलिए थोड़ा सा समय लग गया, तो वो भी होने वाला है। फिर मैंने कहा था कि मंडल अध्यक्षों से, मैंने कहा था कि अपने अपने मंडलों से एक एक प्रस्ताव दे दो मिनी स्टेडियम की, जो कि अपने युवा कल्याण विभाग द्वारा बनाए जा रहे हैं, तो लोगों ने दिए नहीं, किसी ने दिया नहीं अभी तक, पिछले साल मांगे थे, अभी तक काम भी शुरू हो जाता है। आपने मंडरे का मेरा करना मुझे थोड़ा दिया, तो अगर ये मंडल उसको करा सकते हैं मंडल, है ना, एक एक मिनी स्टेडियम बन जाएंगे, दो बच्चों के लिए खेलने कूदने के लिए अच्छा ग्राउंड मिल जाएगा, और बाकी रही अन्य बातें तो ये फिर करते रहेंगे, आपके बीच में आता रहूँगा और इस कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए, और अन्य बातें मालूम करते रहेंगे। बहुत बहुत इस अवसर पर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अच्छा ये वो भी है, जैसे SCB में है बारात घर के लिए, और SCB की सड़कें बिलाओ, उसमें भी प्रस्ताव लाए, केवल वो सब लोगों की नज़र है रेलिंग और CC, रेलिंग CC भी राजनीति से भी, क्षेत्र पंचायत की निधि से भी, प्रधान जी भी वही लगा रहे, क्षेत्र पंचायत जी भी वही लगा रहे, विधायक वही लगा रहा है, प्रमुख वही लगा रहा है, अब तो कहाँ कितने रेलिंग बच गई है। और जब बोल रहे कि बड़ी योजना SCB में बड़ी योजना दो, तो वहाँ अभी एक एक दो दो लाख के रेलिंग और CC दे रहे हैं, जैसे हमने दिया था आपको फोन भी किया, बड़ा प्रस्ताव दे दो, रोड की रोड ले लो, SCP से पैसा आ रहा है, सुधारी करना होगा, क्यों नहीं होगा, सुतरगांव वाली SCP